आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं जिनके बात करने का तरीका आपको बिल्कुल पसंद नहीं। हर किसी ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया है जो या तो बहुत बोलते हैं या बातों को घुमाते हैं और जल्दी पॉइंट पर नहीं आते, या खुद ही बोलते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप इनमें से एक नहीं बनना चाहते तो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पिच परफेक्ट के रियल लाइफ टिप्स शेयर करना चाहूंगा, जिसे बिल मैकगोवेन ने लिखा है। बिल मैकगोवेन क्लैरिटी मीडिया ग्रुप के फाउंडर और सीईओ हैं एंड 2 times एमी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। आप इनकी कही हुई बातों पर डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने 7 ऐसे प्रिंसिपल शेयर किए हैं जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। इसे शुरू करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल एक करियर काउंसलिंग सेशन के दौरान स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे, उन्हें अकम्प्लिश करे। तब वो ऑडियंस में रैंडमली एक एक स्टूडेंट से पूछने लगी कि उन्हें क्या पसंद है और वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ऐसे करते करते वो क्लास की टॉपर के पास पहुँचती है जो अनफॉर्चुनेटली उस पूरे सेशन के दौरान सो रही थी। एंड जब प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उसे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया और उसने कह दिया चॉकलेट्स, और सभी हंसने लगे। इसलिए बी प्रिपेयर्ड ताकि जब आप स्पॉटलाइट में हो तब आपके पास सही जवाब हो, जिससे दूसरों के सामने आपका इम्प्रेशन बना रहे। इवन द ग्रेट स्पीकर जैसे स्टीव जॉब्स अपने स्पीचेस को एटलीस्ट 70 times प्रैक्टिस करते हैं। यस, आपने सही सुना, 70 times, ताकि उन्हें स्टेज पे कोई एम्बैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। सो अगर आप अपने बॉस या कलीग्स के बीच एक अच्छा इम्प्रेशन मेंटेन करना चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन एंड अलर्टनेस ही आपको दूसरों से अलग करेगी। इसे प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टिप है जो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी के लिए कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हो तो आप कॉल से पहले एक रिहर्सल कर लिया करो। उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक बार में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, जिससे 3 चीजें होंगी। नंबर 1, आप एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करोगे। नंबर 2, आप दोनों का टाइम बचेगा। एंड नंबर 3, एग्जीक्यूटिव आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करेगा। यही छोटी छोटी चीजें आपको रियल लाइफ में एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाती हैं। जब भी आप किसी कन्वर्सेशन या प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हो तो आपको ये डर रहता है कि कहीं आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखने के लिए आपकी कन्वर्सेशन की पहले 30 seconds सबसे क्रूशियल होते हैं। जस्ट लाइक किसी फुटबॉल गेम के लास्ट के 2 minutes में हार या जीत डिसाइड होती है, वैसे ही कन्वर्सेशन के पहले 30 seconds में ही पता चल जाता है कि ऑडियंस आपकी बातों से कन्विंस्ड है या नहीं, वो आगे भी आपको अटेंटिवली सुनेगी या नहीं। इसलिए ऑथर ये एडवाइस करते हैं कि ऑडियंस का अटेंशन जीतने के लिए आपको अपने मटेरियल की सबसे बेस्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग लाइन पहले यूज करनी चाहिए। इसे वो द हेडलाइन प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के पावरफुल हेडलाइंस मूवीज के ट्रेलर्स लोगों के अंदर सस्पेंस और एक्साइटमेंट भर देते हैं और उन्हें पूरी स्टोरी जानने का मन करता है, वैसे ही आपके आर्ग्यूमेंट्स या कन्वर्सेशन का पहला स्टेटमेंट आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट जगाता है। एक इफेक्टिव ओपनिंग लाइन शॉर्ट सस्पेंस से भरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सरप्राइजिंग होनी चाहिए, जो ऑडियंस के अनएक्सपेक्टेड हो और वो तुरंत हुक हो जाए। अगर आपने 3 Idiots मूवी देखी हो तो आपको मशीन की डेफिनेशन वाले सीन में आमिर खान का एक्सप्लेनेशन जरूर याद होगा, बट साइलेंसर का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को फैक्ट से ज्यादा विजुअल्स याद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिमाग में छप जाए तो आपके लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। इसे ऑथर द स्कॉर्सेसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि एक फेमस डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसे के नाम से इंस्पायर्ड है। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद एक डायरेक्टर की तरह ऑडियंस को अपनी स्टोरी विजुअलाइज एंड फील करने पर मजबूर करना चाहिए, जिससे उनका फोकस बना रहे और वो एक्सप्लेनेशन भी इजीली समझ जाए। चाहे अब आप उन्हें एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएं या उनके दिमाग में एक सीन क्रिएट करें, स्टोरी टेलिंग से लोगों के लिए वो बात यादगार बन जाती है। जब भी लोग
अपना ओपिनियन शेयर करते हैं तो कई बार वो एक्साइटमेंट में अपने पॉइंट को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं या पॉइंट पे आने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप अपनी ऑडियंस की बोर्डम खत्म कर सकते हो अगर आप अपने एक्सप्लेनेशन रिच एंड ब्रीफ रखो। अगर आप कम बोलकर अपनी ऑडियंस को एक इफेक्टिव मैसेज देते हो तो लोग भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि उनका ज्यादा वक्त भी बर्बाद नहीं हुआ और उन्हें कुछ नया जानने को मिला। ऑथर ने इसे द पास्ता सॉस प्रिंसिपल का नाम दिया है, यानी अपनी एक्सप्लेनेशन को बॉइल डाउन करके सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही कम्युनिकेट करो ताकि वो शॉर्ट एंड इफेक्टिव हो। ऑथर ने इस बुक में कहा है कि अक्सर दिमाग और जबान की रेस में जीत जबान की होती है, क्योंकि लोग बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। जब आप बोलते बोलते करते हो, देन दैट मींस आपके जुबान को नहीं पता कि आपको आगे क्या बोलना है। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो, एंड अगर तुरंत बोलना ही हो तो धीरे धीरे कम शब्दों में बोलो। इससे सामने वाले को आपका मैसेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर लगता है। ऑल्सो आप हड़बड़ी में कुछ गलत बोलने से भी बच जाते हो। इसे ऑथर द नो टेलगेटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि बोलने से पहले सोचो। इसीलिए कम्युनिकेशन के दौरान पॉजेस लो, अपना टाइम लो, जिससे आपको अपने थॉट को स्ट्रक्चर करने का मौका मिले। डील्स और मीटिंग्स तभी सक्सेसफुल होती हैं जब आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है, जब आप उसे पूरे कन्विक्शन के साथ कहते हो कि आपको अपने ओपिनियन या अपने जजमेंट पे पूरा भरोसा है। तो जब भी आप बात करें तो उसे पूरे कन्विक्शन और सर्टेनिटी के साथ कम्युनिकेट करें। आपकी आईज, वर्ड्स, पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस से आपका विश्वास झलकना चाहिए ताकि सुनने वाला आपकी बातों से तुरंत कन्विंस हो जाए। हम सभी ऐसे लोगों से फैमिलियर हैं जो सिर्फ बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनने में नहीं। शायद वो ये इंटेंशनली ना कर रहे हों, बट इससे सामने वाला इंसान इनसिग्निफिकेंट फील करता है। बट वहीं अगर आप दूसरों की बातों को जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सुने, उनसे एक आध क्वेश्चंस पूछें, उनके ओपिनियंस को कंसिडर करें, तो अगला इम्पोर्टेंट फील करता है। इसे ऑथर ने बी द क्यूरियोसिटी प्रिंसिपल का नाम दिया है कि आप भी दूसरों के ओपिनियन और आंसर के लिए क्यूरियस रहो। इससे सामने वाले को आपके साथ डिस्कशन करने का मन करेगा एंड वो आपके भी इनपुट्स को कंसिडर करेगा। ऑलवेज रिमेम्बर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ रूम ऑलवेज स्पीक द लीस्ट। इस चीज को ध्यान में रखो और दूसरों को भी सुनो। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है। कई लोग ये मानते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट ये एक मिसकंसेप्शन है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड कम्युनिकेशन एक स्किल है। आप चाहे किसी भी भाषा में फ्लुएंट हो, आपको अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कमेंट्स करके बताएं क्या आपके डिस्कशंस आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। तो दोस्तों थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।